तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने कहा है कि उन्हें इक्तदार मिला तो वो कराची से टारगेट किलिंग का खात्मा कर देंगे। इमरान खान ने ये बात कराची के इलाके ग्रीन टाउन में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए कही। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होने वाले जलसे में जदीद असलहे की सरेआम नुमाइश की जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्रीन टाउन में जलसा किया जिसमें इमरान खान ने अपने खिताब में पुलिस के निजाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तहम इस जलसे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद कारकुनों ने जदीद असलहे की सरेआम नुमाइश की और हथियारों का तबादला भी होता रहा। इस मौके पर पुलिस अफसर भी खामोश तमाशाई बने खड़े रहे और कोई एक्शन नहीं लिया गया। जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े। जंगल में है मोर बड़े, शहर में है चोर बड़े। अपने भी वस्ताद यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े। माइकल तो बदलोगों की खाली जेब कतरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। इमरान खान की तकरीब में आमद पर इनके हमरा आने वाले मुतादिद अफराद खुलेआम जदीद आतिशी हथियारों की नुमाइश कर रहे थे। इस मौके पर इमरान खान ने शिकवा भी किया कि उन्हें दो बरस तक कराची आने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से सेंटर के इख्तिताम में ताखीर हुई। तहरीक इंसाफ के सरबरा ने कराची में दीगर प्रोग्राम्स में भी शिरकत की। इस मौके पर भी उनके हमरा मुसल्ला अफराद मौजूद थे। उनके साथियों की जानिब से खुलेआम जदीद हथियारों की नुमाइश को मुख्तलिफ शहरियों ने इमरान खान की जानिब से कानून इंसाफ की हुक्मरानी के दावों के बरक्स करार दिया है।